एपी इज गिवन बाय फोर माइनस, ये चलो 4 प्लस 3 एंड 10 पॉइंट द सर सम ऑफ इट्स फर्स्ट टेन टर्म्स है एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टेन टर्म्स। आपको इसकी फर्स्ट टेन टर्म का सम फाइंड करना है। अच्छा हाँ बच्चे, तो हुआ क्या क्वेश्चन सॉल्व? ओके चलिए देखिए, मैंने टाइम दिया आपको, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ओके तो हमको दिया हुआ है एच राउंड, टी एन, टी एन बराबर क्या दिया आपको बच्चों? 4 प्लस 3 एन। सो यू जस्ट पुट एन इज इक्वल टू 1 2 3 एटसेट्रा, इस टाइप से पुट कर देंगे वैल्यूज। तो आप क्या देखेंगे, व्हेन यू पुट एन इज इक्वल टू 1, तो यू हैव टी 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 1, दैट इज 7। 4 प्लस 3 7। नाउ टी टू, टी टू इज 4 प्लस 3 इंटू 2, दैट इज 3 टू 6 प्लस 4 10। नाउ यू हैव टी थ्री, टी थ्री इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 3, दैट इज 9 प्लस 4 13, इज इट। सो बच्चों आपको तीन टर्म मिल गई है। ओके और यू कैन सी द कॉमन डिफरेंस, वैसे मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट टेक्निक भी सिखाऊंगा। ओके सो गोल फाइंड करना था सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। ओके सो हियर टी वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 7, एंड व्हाट अबाउट द कॉमन डिफरेंस? बच्चों आपको सम निकालने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, एक सॉरी तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट टर्म उतना आपको चाहिए कॉमन डिफरेंस, और तीसरा चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? ओके तो आपको ये तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? तो अब देखते हैं हम, जरा देखो हमारे पास टी वन आ गया। टी वन कितना था? टी वन बराबर ए, दैट इज 7। ये हमारे पास आया टी वन, दैट इज ए, सॉरी। ठीक है, डी डी बराबर क्या आएगा? टी टू माइनस टी वन बराबर 10 माइनस 7, दैट इज 3। और यही वैल्यू यहां से भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 13 माइनस 10, दैट इज अगेन 3, है ना? तो डी कॉमन डिफरेंस बराबर होना जरूरी है, तो ये आ गया हमारा डी। अब हमको ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, वी नो द वैल्यू ऑफ एन ऑल्सो। एन बराबर कितना है? एन बराबर है 10। ओके अभी तीनों को रख के हम वी कैन फाइंड द सम। तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? एस एन, एस एन बराबर होता है एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। ओके तो बच्चों देखो, ऐसे आ जाता है हमारा
एसएन एसएन की बजाय हम इनकी वैल्यू 10 रख देते हैं, 10 रख दिया हमने, ठीक है। तो 10/2 टू इंटू ए, 7 प्लस एन की वैल्यू 10 थी हमारी, 9 इंटू डी, व्हाट इज डी, डी इज नथिंग बट 3, ये हमने रख दिया, ठीक है बच्चों। तो क्या जाएगा, 10/2 दैट इज 5, तो ये आंसर आ जाता हमारा 5 इंटू 7 टू 14, 14 प्लस 27, 14 प्लस 27, बच्चों समझ में आ रहा है? ओके, तो ये आ जाता है एस टेन इज इक्वल टू 5 इंटू 14 प्लस 27, 41, ठीक है बच्चों। तो दैट इज 41 इंटू 5 आता है बच्चों 210, 210, ये हमारा एस टेन की वैल्यू आ गई। ओके, ये हो गया। अब बच्चों, अब इसको दूसरे तरीके से भी हम करते हैं, एक और सिंपल मेथड है, ये तो हमारा एक पूरा लंबी मेथड होगी जो आपने 10th में स्टेट क्वेश्चंस किए होंगे, है ना। नाउ हम जरा एक दूसरे मेथड पे आते हैं बच्चों, वो मेथड जो है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा आसान रहेगी, हाँ। तो बच्चों उनको जाके बोल देखिए, है ना, ठीक है। ओके, अब हम दूसरी मैथड पे आते हैं, चलिए यहां तक समझ में आ गया। चलिए तो आते हैं बच्चों, ठीक है, आते हैं जरा अगली मैथड पे, ये बताते हैं बच्चों। चलिए अब देखो, हमको सम ऑफ 10 टर्म फाइंड करना है, इट्स वेरी सिंपल, आप ऑलरेडी आंसर कर दोगे क्योंकि एमसीक्यू का आपको सॉल्व करना आना जरूरी है। यदि आप एनडीए या जेई जैसी कोई भी एग्जाम का टारगेट आप रखते हैं तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक आना जरूरी है। तो चलिए हम आपके शॉर्टकट पे आते हैं, हमको सम ऑफ 10 टर्म फाइंड करना है। तो सम ऑफ 10 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, n/2 a+l वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, है ना, सम ऑफ 10 टर्म के लिए। तो बच्चों यहाँ पे देखो, इसमें जस्ट पुट n इज इक्वल टू 1, तो यू विल बी गेटिंग द फर्स्ट टर्म ए। व्हेन यू पुट n इज, अगेन आई एम रिपीटिंग, when you put n is equal to 1, you will be getting the first term, that is a. when you put n is equal to 10, you will be getting the last term l. okay, so sn is equal to n/2, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ डायरेक्ट 10/2, n की वैल्यू डायरेक्ट इसमें रख रहा हूँ 1, तो यहाँ देखो डायरेक्ट समझ में आता है 4 + 3 * 1, दैट इज 7, तो यहाँ मैं डायरेक्ट रखूँ 7. now you can put n is equal to 10, so you will be getting the 10th term directly. तो 3 × 10 = 30, 30 + 4 = 34, डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं 34, आई होप समझ रहे होंगे बच्चों। फिर से बता रहा हूँ, ए निकालने के लिए इनको 1 रख दिया, लास्ट टर्म निकालने के लिए इनको 10 रख दिया, ये डायरेक्ट आपको आंसर आ गया, देखो एक स्टेप में आपको आंसर मिलता है, ठीक है। तो बच्चों देखो, 7 + 34 कितना आ गया बच्चों, 41, और ये 10/2 5, तो आंसर आता हमारा 5 × 41, दैट इज अगेन 210, ये देखो बच्चों, ये आपको और लिए वो सॉल्व रहा, कर, समझ आया बच्चों। एक होती लंबी मेथड जो आपको, इतनी लंबी मेथड बिल्कुल थी, क्लियर यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है, सर, आई होप स्क्रीन आपको ये ब्लर हो समझ में रही आया है होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको सर, और करने स्क्रीन आगे ब्लर हो रही है, स्क्रीन ब्लर बढ़ते हैं, है, ये भी अगले नॉट क्लियर सर। अगले सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। चलिए। तो बच्चों अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, अब सर देखो वी विल नॉट जरा ये क्लियर टाइप का क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा सर, सर अलग टाइप स्क्रीन का इज क्वेश्चन है, नॉट विजिबल प्रॉपरली ये टर्म ऑफ एल सर, जी की स्क्रीन ब्लर बी इज क्यू, ये टर्म ऑफ एल जी बी इज क्यू एंड इट्स क्यू सर, टर्म्स पी, देन फाइंड इट्स एंथ टर्म एंड ऑल्सो पी प्लस क्यू टर्म, ये हमको फाइंड करना है। तो बच्चों देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, पी नंबर की जो टर्म है उसकी वैल्यू टू है, और क्यू नंबर की जो टर्म है उसकी वैल्यू पी है, तो आपको इन जनरल प्लस क्यू टर्म पूछते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे आपको एंथ टर्म भी पूछी है, ठीक है, दोनों टाइप की चीजें पूछी जा सकती है ना। तो चलिए हम जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस
इन कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी आर ए एंड डी रिस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि फर्स्ट टर्म की ए है और कॉमन डिफरेंस का क्या है बच्चों, डी, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो नाउ व्हाट अबाउट टीपी, टीपी मतलब पी टर्म, ओके इट इज गिवन, क्या गिवन है बच्चों को, टीपी बराबर क्यू एंड पी क्यू बराबर हमको दिया है बच्चों पी, इजेंट इट। टीपी से क्या बन जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन, यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन। हालांकि हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो ये सब फॉर्मेलिटीज नहीं करते हैं, लेकिन तो भी आपको मैं पूरा मेथड से समझा रहा हूँ। ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, ऑल्सो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी, ये इक्वेशन नंबर वन। ये बन गई बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर टू। अब हम इनको सबट्रैक्ट कर देते हैं, ओके, क्योंकि हमको ए और डी की वैल्यू फाइंड करना है ना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पी और क्यू की टर्म है तो ए और डी की वैल्यू, ये माइनस और ये माइनस, ऐसे कैंसिल हो गया बच्चों, है ना। अब देखो सॉरी, अब हमको सब्ट्रैक्शन करना है। इस टाइप के सब्ट्रैक्शन में बच्चों एक ध्यान रखना, ध्यान से समझना। सबसे पहले डी मैंने कॉमन निकाल लिया, तो मैं यहाँ शॉर्ट में आपको करके बता रहा हूँ, डी मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ तो बच्चों पी माइनस वन माइनस क्यू, ये जब ये माइनस लगा है ये माइनस क्यू प्लस वन, ऐसा बन जाता है, वन से वन कैंसिल हो जाता है बच्चों और बाहर आ जाता है हमारा डी। ओके सो यहाँ पे बचता है पी माइनस क्यू इंटू डी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको बच्चों, पी माइनस क्यू इंटू डी, ये हमारा बन गया इधर नीचे इसके, ये वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है क्यू माइनस पी। देखो क्यू माइनस पी, तो ये लिखा मैंने, देखो क्यू माइनस पी यही कर रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, तो जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये जो पी है नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और क्यू जो पॉजिटिव है ये बन जाएगा नेगेटिव। तो माइनस बाहर निकाल दिया तो पी माइनस क्यू ये ऐसा बन जाता है। ओके तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको डायरेक्टली, माइनस ऑफ पी माइनस क्यू ऐसे करके लिख दिया। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ये देखो क्यू पॉजिटिव है पी नेगेटिव है, मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो ये पी पॉजिटिव बन जाता है और क्यू बन जाता है नेगेटिव। ब्रैकेट के बाहर कभी भी साइन, यदि हमको नेगेटिव साइन कॉमन निकालना है तो हमेशा अंदर की क्वांटिटीज के साइन चेंज करना पड़ते हैं, है ना। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तो मुझे पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ओके वेरी गुड, तो यहाँ से आ जाता है डी बराबर माइनस ऑफ पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू, सो इट बिकम्स वन। ओके बच्चों माइनस वन, सॉरी ये आ जाता है माइनस वन, ये हमारी डी की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, डी की वैल्यू हमारी आ गई माइनस वन। ओके बच्चों ठीक है, तो डी की वैल्यू माइनस वन आ गई। आई होप ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। ओके वेरी गुड, ठीक है बच्चों। ओके तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हमारी डी की वैल्यू आ गई है। अब हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो नेचुरली जब डी की वैल्यू रखेंगे किसी भी इक्वेशन नंबर वन या टू में से किसी एक में, तो हमको ए की वैल्यू मिल जाती है। तो किस में रखते हैं, ऑब्वियसली वन या टू में किसी एक में रख देते हैं, तो वन में रख देते हैं। चलो तो ए है ना, मैं यहाँ रख देता हूँ उस तरफ, तो देख थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपको समझने में। चलिए तो ये इक्वेशन नंबर वन में पुट कर रहा हूँ, पुट डी इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर वन, पुट डी इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर वन। यहाँ पे मैं यहाँ रख रहा हूँ इधर लाइन ड्रॉ करके, ताकि आपको समझ में आ जाता हो। यहाँ पे ए प्लस पी माइनस वन इन टू माइनस वन इज इक्वल टू क्यू। ओके तो ए, ये देखो ये माइनस वन है मतलब पूरा का साइन नेगेटिव है ना, ये उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा क्यू, और ये पूरा का पूरा, देखिए ये जब माइनस वन होता है ना इनटू में, तो मतलब ये पूरा नेगेटिव है, ये नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा पी माइनस वन, ये प्लस का आएगा इस टाइप से। अब ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, तो ए बराबर आ जाएगा पी प्लस क्यू, पी पहले लिख देते क्यू बाद में लिख देते हैं, पी प्लस क्यू माइनस वन। बच्चों साइन कन्वेंशन में एक चीज हमेशा याद रखना, इस नंबर की पहले जो साइन है वो उसका साइन है ना, समझ में आया। क्लियर होता है, ए की वैल्यू आ गई बच्चों पी प्लस क्यू माइनस वन, और डी के हमारी वैल्यू आई थी, डी के हमारी वैल्यू आई थी माइनस वन,
नाउ ये दोनों वैल्यू हम पुट कर देते हैं, हमको फाइंड करना था एन टर्म। एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टी एन। तो टी एन बराबर आता है बच्चों हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बच्चों इसमें पुट करते हैं हम, ए की वैल्यू आती है, ए की वैल्यू हमारी होती है पी प्लस क्यू माइनस वन। तो यही दिख रही है आपको, पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस एन माइनस वन। डी की वैल्यू क्या आती है हमारी? माइनस वन। ठीक है बच्चों, ये आ जाता है पी प्लस क्यू माइनस वन। ये माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एन और ये हो जाएगा प्लस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाता है पी प्लस क्यू माइनस एन, ये टी एन आ जाता है बच्चों, ये टी एन आ गई। ठीक है बच्चों, ये टी एन की वैल्यू आ गई बच्चों। आई होप बच्चों समझ में आया होगा, ये हमारा टी एन आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप पूछेंगे सर आपने पी प्लस क्यू टर्म, पी प्लस क्यू टर्म की वैल्यू तो फाइंड ही नहीं की, तो बच्चों यहाँ पे एन की वैल्यू पी प्लस क्यू रख देंगे तो आपको पी प्लस क्यू टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, आपको यहाँ पे फाइंड करता हूँ। नाउ टी ऑफ पी प्लस क्यू, देखो लाइन ड्रॉ कर दी मैंने बच्चों, ठीक है इसके आगे का ध्यान रखा। टी ऑफ पी प्लस क्यू बराबर क्या जाएगा? पी प्लस क्यू माइनस ऑफ पी प्लस क्यू, ये ब्रैकेट में बंद करना है। तो आप देख सकते हो पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू कैंसिल होकर क्या आ जाता है? जीरो। टी ऑफ पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? आ गई जीरो। ठीक है, आई होप ये समझा होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन ये शायद 10th में आपको रहा होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है 10th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन शायद होना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक में शायद था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एरर कर देते हैं, अगले क्वेश्चन करते हैं, है ना। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूँ। अब ये क्वेश्चन जो है इसको रिजल्ट भी कर याद रखते हैं, ये आप लोग कि आपको बहुत काम आता है ना। वो काम किसे आता है मैं आपको समझा। जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, है ना, देखिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इफ 12th टर्म ऑफ एन एन ए पी इन 17 एंड इट्स 17th टर्म इज 12, ध्यान से समझना, 12th टर्म ऑफ इन एपी 17 एंड इट्स 17th टर्म इज 12, देन पॉइंट इट्स 29th टर्म, 29th टर्म उसने पूछ लिया क्वेश्चन में, उसने पूछ लिया कि 29th टर्म फाइंड करो। तो बच्चों ये देखो, क्वेश्चन दिखने में आपको इतना टफ लगेगा बट इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमको थोड़ा सा रिजल्ट मालूम है। तो देखो यहाँ पे ये पी ए टर्म है, पी ए टर्म की वैल्यू क्यू है, पी ए टर्म की वैल्यू पी पी है। और ये देखो जरा 17 और 12 ये दोनों का सम कितना रहा है? 29। तो उसने पी प्लस क्यू टर्म की वैल्यू पूछी है। तो जब भी किसी भी एपी में टीपी बराबर क्यू है, एपी में है ना, वो किसी की बात नहीं कर रहा, एपी में किसी एपी में टीपी बराबर क्यू आए एंड टी क्यू बराबर पी आ जाता है, तो टी ऑफ पी प्लस क्यू हमेशा क्या आ जाता है? जीरो। तो इस क्वेश्चन को आप देखते थे आंसर कर सकते हो कि 12th वाले टर्म की वैल्यू 17 है, और जब भी 17 टर्म की वैल्यू 12 है तो 12 प्लस 17 मतलब 29 टर्म की वैल्यू जीरो आएगी। तो आपको इसको सॉल्व भी नहीं करना है, आप क्वेश्चन आंसर कर दोगे क्योंकि आपको ये रिजल्ट थोड़ा सा याद हो गया या मालूम पड़ गया है। तो बच्चों ये ऐसे स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट इनका यूज करते हुए आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप ओरली सॉल्व कर पाएंगे, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि जो टेक्निक्स होती हैं क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स। तो उस पर हम बहुत अच्छे से काम करेंगे। अभी चूंकि आपके इनिशियल लेक्चर्स हैं इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको हर क्वेश्चन के लिए हर
मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए मैं आपको ट्रिक और टेक्निक सिखाऊंगा, सो देट आप कोई भी क्वेश्चन को 1 मिनट में, आधे मिनट में या उससे भी कम सेकंड में फोड़ देंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आप कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। सो देट आपको कुछ क्वेश्चन जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपको टाइम मैनेज होता है। समझ गए बच्चों? चलिए ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसको पूरी लंबी मेथड से नहीं करना है। अच्छा आप कोई बोलेगा सर उसने 29th टर्म नहीं पूछी, उसने कोई और टर्म पूछ ली तब क्या करेंगे? उसके लिए एन टर्म का फॉर्मूला हमने निकाला था, है ना। टी एन का फॉर्मूला हमारा क्या था बच्चों? पी प्लस क्यू माइनस एन, से उसने पूछ ली 10th टर्म, उसने क्या पूछ ली? 10th टर्म पूछ ली, तो टी 10 निकालना है ना। तो चलो टी 29 निकालते हैं। टी 29 तो 0 आ गया था, उसने बोला सबको टी 10 निकालना है, तो फिर क्या करेंगे? टी कितना था हमारा? 12। क्यू कितना था? 17, है ना। पी पी एक टर्म मतलब पी हो गया हमारा 12, तो बस रख दो डायरेक्ट। टी 10 क्या जाएगा? पी प्लस क्यू माइनस एन, तो कितना आ जाएगा? 12 प्लस 17 माइनस 10, ये आ गया। एकदम सिंपल है ना। तो 12 और 17, 27 माइनस 10 कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा 12 29 माइनस 10 दैट इज 19। तो टी 10 हमारा आ जाता है 19। एकदम सिंपल है। उसने पूछा बताओ 20 नंबर की टर्म क्या होगी? T20 पूछ लिया, तो T20 क्या आ जाएगा? 12 प्लस 17 माइनस 20। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें। 27 माइनस 20 दैट इज ऐसा, 29 माइनस 20 दैट इज 9। ऐसे आप चाहे तो फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। कुछ भी पूछेगा आप आंसर कर सकते हैं। उसने फर्स्ट टर्म पूछी, फर्स्ट टर्म में इनकी वैल्यू 1 रख दो, फर्स्ट टर्म आप क्या जाएगी? अपने आप P+Q-1। बहुत सिंपल है, जो पूछेगा आप पूरा आंसर कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़े बच्चों, आप इसके शॉर्ट लेते जाइए, सो देट ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ सम ऑफ एन टर्म्स रिलेटेड, है ना। तो चलिए सम ऑफ एन टर्म पे से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये फिफ्टींथ एंड 19th टर्म ऑफ एन एपी आर 15th एंड 19th टर्म ऑफ एन एपी आर 47 एंड 59 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, आप या 2 मिनट का, आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ बच्चों। ठीक है, ये 15th एंड 19th टर्म ऑफ एन एपी आर 47 एंड 50 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, चलिए अटेम्प्ट करना शुरू कर दो बच्चों। कभी भी याद रखो, हमेशा याद रखो, जैसे ही कोई टीचर क्वेश्चन देता है बोर्ड पे, आपको तुरंत आपको शुरू हो जाना है। ठीक है बच्चों, आपको तुरंत शुरू हो जाना है, आपको वेट नहीं करना है टीचर का। आर यू वेटिंग मी? ठीक है बच्चों, फटाफट शुरू कर देना है तुरंत। इससे आपकी एफिशिएंसी डेवलप होगी, आपका फोकस बिगड़ेगा नहीं। और हमेशा याद रखना, जब भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो या ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं, तो उस समय देख रहे हैं, तब उस समय थोड़ा सा कोशिश करें कि घर में और कोई टाइप का एनी काइंड ऑफ डिस्टरबेंस ना हो, है ना। अपने रूम को बंद कर लीजिए और प्रॉपर पढ़िए, ठीक है। और यदि कोई कोई डाउट आता है तो बाद में जो डाउट सेशन होता है उसमें आप पूछिए कि भाई सर हमको ये लेक्चर में ये चीजें समझ में नहीं आई, सो देट वी कैन डिस्कस ऑन इट। ठीक है, कभी भी ध्यान रखो बच्चों, क्वेश्चन पूछने में शर्माना नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़े, चलिए हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो बच्चों यहाँ पे 15 टर्म दी हुई है 47 और 19 टर्म दी हुई है 59। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ डायरेक्ट ट्रिक करने का। तो देखो बच्चों ये 15 टर्म है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। 53 जा 45 प्लस 2, अब देखो 93 जा 57 प्लस 2, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। देखो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है तो आपको एग्जामिनर के माइंडसेट तक जाना है कि वो क्या सोच रहा है, क्या सोच के उसने क्वेश्चन दिया। तो हम यहाँ देखते से, अभी देखो ये क्वेश्चन को लंबी मेथड से करना है तो लंबी मेथड से तो हम करेंगे ही करेंगे, नो डाउट। पर हमको एज ए स्मार्ट स्टूडेंट सोच रहा है, हमको चूंकि किसी बड़ी पोजिशन को आगे जाके होल्ड करना है तो हमको हमारे दिमाग में उस तरीके से काम करना जरूरी है ना। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। तो यदि एक स्मार्ट बंदा सोचेगा तो ये क्वेश्चन को देख के क्रैक करने की कोशिश करेगा। 15 3 45 प्लस 2, तो ये डायरेक्ट आपको दिखता है, मैं ध्यान से समझना है, फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा वापस। तो टीएन बराबर 15 इंटू 3 आया प्लस 2, तो एन की वैल्यू 15 3 का भी आएगा, तो जैसे डायरेक्ट लिख सकते 3n प्लस 2, डायरेक्ट आपको दिखता है ना। अब ये हमारा ये सोच हमारा सही है कि नहीं, कैसे समझेगा? तो पहले एन की वैल्यू 15 रख के देखो, इसमें 15 3 45 प्लस 2 47 आ गया। 19 रख के देखो, 19 3 57 प्लस 2 59 आ गया, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट दिख गया एंथ नाम। अब आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए, कॉमन डिफरेंस बहुत सिंपल है। कॉमन डिफरेंस है जो एन के साथ जो लिखा वही कॉमन डिफरेंस है। एन के साथ जब भी ध्यान रखना है, एन फ्रॉम यदि लीनियर फंक्शन है, लीनियर मतलब एक्स प्लस बी या एन प्लस बी के फॉर्म में है, तो एन के साथ जो लिखा वही कॉमन डिफरेंस है। ओके, तो सर आप बोलोगे ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि भाई एन फ्रॉम हमारी जो आई वो 3n प्लस 2 के फॉर्म में आई और एन के साथ जो लिखा वही कॉमन डिफरेंस है, तो ठीक है मैंने कॉमन डिफरेंस डी भी लिख दिया सर, ये लिख दिया मैंने कॉमन डिफरेंस t3। अब आप मुझे बताइए, अब हमको सम निकालना है तो क्या करेंगे? सम निकालना, तो बाय हाथ का काम आ गया। देखो क्वेश्चन देखते से आपको आंसर दिखता है, देखिए कैसे दिखता है। अब लिखा मैंने एस एन मतलब कितने टर्म का सम निकालना है मुझे, 15 टर्म का, तो लिख दिया मैंने s15। अब आप बोलोगे सर 15 तो लिख दिया, अब एन की वैल्यू हमारी आ गई 15, तो 15 अपॉन 2, ठीक है। अब बोले सर डायरेक्ट आपने तो ब्रैकेट खींच दिया, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? अरे तो बच्चों ध्यान से समझो, आपको क्या क्या चाहिए था, फॉर्मूला क्या था, एस एन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, एन बाय टू ए प्लस एल। देखते जाना ध्यान से, एकदम आपको देखते से क्लिक होगा, आप एक्साइटेड हो जाएंगे, कितना सिंपल तरीका है। ए की वैल्यू डायरेक्ट लिखना है, एन को वन पुट कर दो फर्स्ट टर्म आती है, एन जैसे वन पुट करते तो क्या आता है, तो 3 प्लस 2 दैट इज 5, ये फर्स्ट टर्म आ गई। ओके, अब आप बोलेंगे सर लास्ट टर्म एन की वैल्यू 15 रख दो, तो कितना आएगा 3 इंटू 5 15 45 प्लस 2 47। ये बच्चों देखो आंसर आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन है और आपको डायरेक्ट आंसर लिखा है मैंने, डायरेक्ट समझ में आया। अब यही क्वेश्चन अगर 10th में करते हो तो आपका आधा पेज फंस जाता है, उसके बाद भी गलतियां होती है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन देख के सही करेक्ट कर दिया, तो हमारा बच्चों क्या आता है यहाँ पे, s15 क्या आ गया बच्चों, देखो जरा 15 अपॉन 2 45 प्लस सॉरी 5 प्लस 47 दैट इज 52। 52 से इसको डिवाइड कर दो, 26 कैलकुलेशन में टाइम लगने वाला है, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो आप देखते से क्रैक कर दोगे, ठीक है बच्चों। 26 और 15 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 60 90 89, 15 2 30 30 प्लस 9 390, ये हमारा आंसर आ गया s15। ये देखो बच्चों, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए एकदम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन में देता हूँ, इसको पहले आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, है ना। अब इसको आप बोलेंगे तो बड़ी मेथड से भी बता देता हूँ, बड़ी मेथड से भी आप करना चाहेंगे तो मैं बता देता हूँ उसको। आई होप ये समझ में आया होगा, एक्साइटेड हो गए, कुछ समझा, कुछ मजा आया लेक्चर में बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, बाद में हम अभी बात जी करेंगे इस सर, बारे में, देखता हूँ मैं कुछ समझ कमेंट्स आया। वगैरह किए हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है, अच्छा व्यू इज नॉट क्लियर, ओके एक जस्ट अ मोमेंट, लेट मी सी, एक जस्ट अ मोमेंट, क्या आपको दिख नहीं रहा है क्लियर? नहीं बेटा यहां से तो क्लियर है, आप देखो जरा शायद हो सकता है, एक जस्ट अ मोमेंट लेट मी सी, वैसे यहां से तो क्लियर दिख रहा है, और किसी बच्चे को प्रॉब्लम है देखो, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, देखो किसी को यदि व्यू क्लियर नहीं आ रहा है तो देखो जरा नेट की प्रॉब्लम है क्या, है सर ना। मुझे भी देखो क्लियर नहीं आ रहा वो बच्चों और बताओ किसी को व्यू क्लियर नहीं है क्या? एक मैंने अभी देखा थोड़ा सा, एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया है कि व्यू इज नॉट क्लियर, सो इफ एनीबडी हैविंग द सेम प्रॉब्लम सो यू प्लीज
मैसेज और इफ इट इज क्लियर देन ऑल्सो मैसेज कि व्यू इज क्लियर, सो देट थोड़ा सा क्लियर हो जाए बच्चों को कि भाई नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। बताओ जल्दी बच्चों, सर इट इज क्लियर। यू कैन कमेंट। बच्चों व्यू क्लियर है, इश्यू यस क्लियर है सर, तो यस या नो, यस या नो यस बोलिए। सर, यदि क्लियर है तो, यस यदि एक यस को भी सर, क्लियर है तो इसका मतलब फिर नेट में प्रॉब्लम है बाकी लोगों के, है ना। क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब बच्चा देखो, किसको प्रॉब्लम थी बच्चे, तो देखो बेटा है ना, तुमको प्रॉब्लम यहाँ पे नेट में आ रही होगी, अदरवाइज व्यू आई होप भी व्यू इज क्लियर, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा मैं पीछे देख रहा हूँ मतलब कैमरे में कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा, वेरी गुड, चलिए नाइस। अब चलो मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। हाँ तो देखो जरा फटाफट हम दो तीन क्वेश्चन फटाफट अभी क्रैक कर देते हैं, एक मिनट अभी यहाँ पे चेंज कर देते हैं। 15 बता दिया मैं आपके सामने, देखो यही क्वेश्चन दूसरा बना देता हूँ। चलिए हम ले लेते, मान लो चलो मैंने लिया से 12th टर्म, आपके सामने देखो क्वेश्चन बना रहा हूँ, 12th टर्म ले लिया और मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 12th टर्म ले लिया, चलो 16th टर्म ले, 16th टर्म ठीक है ना, 12th टर्म और 16th टर्म। 12th टर्म ले लिया मैंने सपोज से 30, क्या ले लिया 30, ओके समझ में आए बच्चों। 12th टर्म मैंने 30 ले लिया, अब 12th टर्म 30 तो 16th टर्म ले रहा हूँ मैं 38, कितना 38 है ना, ओके ये ले लिया मैंने। अब आपको क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना है फटाफट, 1 मिनट के अंदर, विद इन 1 मिनट आपको सॉल्व करना है। तो फिर से समझते हैं क्वेश्चन को, है ना। पहले आप थोड़ा सा कोशिश करो कि 12 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ने या घटाने भी आता है, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है क्या। तो देखो 12 24 24 + 6 आता है, मतलब 12 × 2 + 6, यहाँ पे भी देखो जरा 16 × 2 + 6 आ रहा है क्या, 16 × 2 + 6 आ रहा है, ओके आई होप क्लियर हो रहा होगा दिमाग में, समझ में आ रही होगी बात है बच्चों, है ना। पहले दो लेक्चर मैंने बहुत बेसिक तरीके से लिए, अभी मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे, चूंकि आप समझने लगे हो, अब मैंने आपको थोड़ा सा फ्लेवर दिया है कि एक्चुअल में हम कैसे पढ़ने वाले हैं, समझ में आया बच्चों। देखो आपको फ्लेवर मिलेगा, आपको मजा आएगा, है ना, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ऐसे पढ़ना है आपको बच्चों। तो देखो 12th टर्म 30, 16th टर्म 38, तो बच्चों जरा आपको समझ में आ रहा है क्या, 12th टर्म 30 है तो 12 × 2 = 24 + 6, समझ में आ रहा है कुछ ऐसे, देखो 16 × 2 = 32 + 6, सेम सेम रिलेशन आ रहा है, ओके है ना। लॉन्ग मेथड से तो कर ही सकते हैं लेकिन ये इतना आसान है मेथड। तो देखो बच्चों 12 बराबर 30 आया डायरेक्टली, तो क्या तो TL का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, देखो 2 × 12 + 6, वो n यहाँ पे 12 की जगह n रख दो बस, तो क्या बन जाता है बच्चों 2n + 6, ठीक है बच्चों ये हमारा आया। अब इसमें रख के देखो, चेक करो फटाफट, 16 रखो फटाफट, 2 × 16 = 32 + 6 = 38 बन रहा है, वेरी गुड। देखो जरा ये बना, अब कोई बोलेगा नहीं सर मजा नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे तो आप अपनी मेथड से बताओ जो मैंने 10वीं तक पढ़ी है, तो बच्चे उससे करते हैं, है ना, उससे भी करते हैं, उसमें देर क्या है फटाफट समझते हैं। टी 12 मतलब 8 + 11d बराबर हमारा आएगा 30, फिर लिखेंगे 8 + 15d बराबर हमारा आएगा 38, सबट्रैक्शन कर दो, ए ए सॉरी माइनस कर दिया, ए से कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा -4d = -8, तो डी बराबर आता है -8/-4, दैट इज 2ED आ गया। अब देखो यहीं पे लिखता है डी, ये और लिख जाता है, इतनी मेहनत करके भी सेम रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखता है तो एन के साथ जो लिखा हुआ कॉमन डिफरेंस है, तो हमारा डी बराबर क्या आ गया बच्चों 2 आ गया, ठीक है। ए हमारा आ गया, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन की वैल्यू मतलब 2 + 6 8 आ गया, फर्स्ट टर्म हमारा 8 आ गया, रख के देखो यहाँ पे भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। देखो रखो डी बराबर 2, 12 11 × 2 = 22, 22 उधर जाएगा, 30 - 22 30 - 22 अगेन आपको सेम 8 मिलने वाला है, आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटा दें इसको, चलिए अब हमको निकालना था सम ऑफ 15 टर्म, सम ऑफ 15 टर्म ही फाइंड करना था सपोज, तो बस फॉर्मूला वही बना देंगे सेम, बराबर 15/2, फर्स्ट टर्म रखना है इनको वन रख दो, 2 + 6 8 आ गया, फिर 15 रख दो क्योंकि तो हमको 15 टर्म का सम चाहिए, तो 15 रख दो, 15 × 2 = 30 + 6 = 36, ये देखो ऑलरेडी आंसर आ गया, तो ऐसे बच्चों आ गया 15/2 = 36,